हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अवर चैनल इन दिस वीडियो वी डिस्कसिंग अबाउट एमसीक्यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल फॉर द एसएससी डीआरडीओ रेलवे जनको डिस्को एंड ट्रांसको इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप हंड्रेड एमसीक्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पार्ट वन और इस पार्ट वन में हम देखने वाले इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग के ट्वेंटी फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले चलते मोटिवेशनल की तरफ कौन है जिसमें कमी नहीं है आसमा के पास भी तो जमी नहीं है हम हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे पास में ये कम है ये ज्यादा है लेकिन हर किसी के पास कुछ होता है तो कुछ नहीं होता है और इसी कमी को हमें पूरा करना है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर फर्स्ट क्वेश्चन द रेडियंट इफिशियंसी ऑफ ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए द शेप ऑफ द सोर्स ऑप्शन बी द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ऑप्शन सी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो सेंड योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स द करेक्ट आंसर इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स वी नो दाइट क्या है लाइट एक रेडियंट एनर्जी है विजुअल सेंसेशन अपॉन ह्यूमन आईज अगर कोई कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं तो ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेस उसमें एक टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है यह टेम्परेचर इंक्रीज होती ही रहता है अगर हम उससे ज्यादा भी करंट उसमें से पास करेंगे तो इस टेम्परेचर का कन्वर्ट लाइट में हो जाता है जिसे हम रेडियंट इफिशियंसी कहते हैं रेडियंट ऑफ ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। क्वेश्चन सेकंड, लाइट वेव ट्रेवल्स विद द विलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग वेव की विलोसिटी कितनी होती है ऑप्शन ए थ्री इंटू टेन टू पावर टेन सेंटीमीटर पर सेकंड बी थ्री इंटू टेनरेस्ट पावर ट्वेल्व सेंटीमीटर पर सेकंड सी थ्री इंटू टेनरेस्ट पावर फिफ्टीन सेंटीमीटर पर सेकंड एंड डी थ्री इंटू टेनरेस्टू पावर एटीन सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर फास्ट इन कमेंट बॉक्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इज थ्री इंटू टेनरेस्ट पावर एट मीटर पर सेकंड पर हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट थ्री इंटू टेन टू पावर टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन थर्ड है कार्बन अर्कलैम्प आर कॉमनली यूज इन कार्बन अर्कलैम्प का यूज हम कहा पर करते हैं ऑप्शन ए फॉर द डोमेस्टिक लाइटिंग बी फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग सी फॉर द सिनेमा प्रोजेक्टर एंड डी फॉर द फोटोग्राफी the correct answer is cinema projector for the domestic lighting we can use led cfl fluorescent lamp and for the street lighting mercury vapor lamp sodium vapor lamps are used next question the unit of a solid angle is option a solid angle b radian c steradian and option d कैंडेला करेक्ट आंसर इज स्टेरेडियन प्लेन एंगल जो मेजर करते वो रेडियन में है सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मेजर करते एंड कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्वेश्चन फॉर यू, कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ अभी बताया था ऑप्शन ए ल्यूमिनस फ्लक्स ऑप्शन बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी वेव एंड ऑप्शन डी न ऑफ द अबो तो सही आंसर है इसमें का कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्वेश्चन सिक्स द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ऑप्शन ए स्टेरेडियन बी कैंडेला सी ल्यूमेन ऑप्शन डी लक्स करेक्ट आंसर इज ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स इज मेजर इन द ल्यूमेन कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी And lux is a unit of illumination. Question 7. The illumination is directly proportional to the cosine of the angle made by a normal to the illuminated surface with the direction of incident flux. Above statement is associated with Planck's law. Option A. Macbeth's law of illumination. B. Dunsen's law of illumination. C. Lambert cosine law and option D inverse square law. The correct answer is Lambert cosine law. Illumination is directly proportional to the cosine of angle made by the normal to the illuminated surface. Therefore, E is equal to cos of theta. And for actual calculation of the illumination using the Lambert cosine law, we use the cos cube theta law. And inverse square law says that illumination is inversely proportional to the square of the distance between the light source and the destination. Question 8 Illumination level required for the precision work is around Precision work ke liye illumination level kitni huni chahiye? Option A 50 lumens per meter square Option B 100 lumens per meter square option c 200 lumens per meter square and option d 500 lumens per meter square answer is option d 500 lumens per meter square and for the normal activity 100 to 300 lux is required moving toward the next question which of the following will needs the highest level of illumination option a group reading option b bedroom c hospital ward ऑप्शन डी रेलवे प्लेटफॉर्म प्रूफ रीडिंग फॉर द बेडरूम नियरली रिक्वायर्ड फाइव टू टेन लक्स हॉस्पिटल रिक्वायर्ड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड लक्स यहां पर एक हमने टेबल दिया है जिस टेबल में एक्टिविटी और रिक्वायर्ड ल्यूमिनस लक्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव द नियरली मोनोक्रामेटिक लाइट मोनोक्रामेटिक का मीन होता है ओनली वन लाइट ऑप्शन ए सोडियम वेपर लैम्प बी जीएलएस लैम्प सी ट्यूब लाइट एंड ऑप्शन डी मर्क्यूरी वेपर लैम्प द करेक्ट आंसर इज सोडियम वेपर लैम्प हेयर मोनोक्रोम मतलब वन कलर विच ओनली द वन कलर इसे कहते हैं हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सो सोडियम वेपर लैम्प जो है ये क्या है मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो प्रोवाइड कौन सा कलर करता है येलो कलर सो सोडियम इन द सोडियम पेपर लैम्प इसमें होता है सोडियम प्लस नियोन इसका आउटपुट कलर होता है येलो जेल एस लैम्प इसे ही हम क्या कहते हैं इनकंडसेंट लैम्प ये भी हमें येलो कलर देता है इसके अंदर होता है आर्गोन प्लस मर्क्यूरी ट्यूब लाइट जिसे हम क्या कहते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प इस फ्लोरोसेंट लैम्प में फ्लोरोसेंट पाउडर प्लस मर्क्यूरी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस इफिशियंसी कितनी होती है ऑप्शन ए फाइव टू टेन ल्यूमेंस पर वैट ऑप्शन बी फिफ्टीन टू ट्वेंटी ल्यूमेंस पर वैट ऑप्शन सी थर्टी टू फोर्टी ल्यूमेंस पर वैट एंड ऑप्शन डी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव पर वैट आंसर इज सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव लूमेन्स पर क्वेश्चन इलेवन दन ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज सेम एज वन ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर किसके समान होता है ऑप्शन ए वन लक्स ऑप्शन बी ऑप्शन सी वन फुट कैंडल एंड ऑप्शन डी वन ल्यूमेन मीटर करेक्ट आंसर इज वन लक्स ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज अ सेम एज वन लक्स क्वेश्चन ट्वेल्व द स्टैंडर्ड वैटेज ऑफ थ्री फीट फ्लोरोसेंट ट्यूब इज फ्लोरोसेंट ट्यूब की स्टैंडर्ड वैटेज थ्री फीट के लिए कितनी होती है ऑप्शन ए टेन वैट ऑप्शन बी फोर्टी वैट ऑप्शन सी सिक्सटी फाइव वैट एंड ऑप्शन डी हंड्रेड वैट द करेक्ट आंसर इज फोर्टी वैट लेंथ के हिसाब से वैटेज जो है वो वेरी होते रहते हैं जैसे कि फोर फीट के लिए फोर्टी वैट एट फीट के लिए सेवेंटी फाइव वैट एट फीट हाई आउटपुट के लिए एक सौ बारह वैट फ्लोरोसेंट ट्यूब वहां पर हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्टी फॉर द सेम वैटेज विच लैम्प इज द चीपेस्ट ऑप्शन ए सोडियम वेपर लैम्प ऑप्शन बी मर्क्यूरी वेपर लैम्प ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड ऑप्शन डी जीएलएस लैम्प आंसर इज जीएलएस लैम्प जीएसएल लैम्प इज नथिंग बट Incandescent lamp which work on the principle of incandescent. This is GLS lamp, incandescent lamp. Question 40. The optical instrument used for comparison of candle power of a different sources are known as Option A candle meter, Option B radiometers, Option C view sense meter and Option D photometer. Please answer in the comment box. The correct answer is photometer. Question fifty: Which photometer is used for the comparing the lights of a different color? The correct option is option D. Gills flicker photometer. The flicker photometer are employed when two sources given the light of a different color. ंग ऑफ द डिफरेंट कलर दो डिफरेंट कलर को कंपेयर करने के लिए हम ग्लिप्स फ्लिकर फोटोमीटर का यूज करते हैं क्वेश्चन सिक्सटी विच फोटोमीटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट्स ऑफ द सेम कलर पिछले सवाल में हमने देखा था कि डिफरेंट कलर के लिए कौन सा फोटोमीटर यूज करते हैं यहां पर पूछा गया है विच फोटोमीटर यूज फॉर कंपेरिंग द लाइट ऑफ सेम कलर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स फोटोमीटर एंड दिस फोटोमीटर कैन यूज फॉर द कंपेरिंग द लाइट ऑफ द सेम कलर क्वेश्चन सेवेंटी द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल फोटोमीटर इज बेस्ड अपॉन फोटोमीटर का प्रिंसिपल किस पर आधारित होता है ऑप्शन ए इन्वर्स स्क्वेर लॉ ऑप्शन बी स्क्वेयर लॉ ऑप्शन सी इन्वर्स लॉ एंड ऑप्शन डी लैम्बर्ट को साइन लॉ correct option is correct answer is option 1 inverse square law inverse square law says that illumination is inversely proportional to the square of the distance next question question 80 two electrical bulbs have the tungsten filament of the same thickness if one of them gives the 60 watt and other gives the 100 watt then option a 60 watt and 100 watt lamp's filament have the equal length option b 60 watt lamp filament has a shorter length c 100 watt lamp filament has the longer length option d 60 watt lamp filament has the longer length the correct answer is 60 watt lamp filament has a longer length explanation suppose that पावर जो है पावर पावर के इक्वेशन पावर इजिकल टू वी स्क्वे बाय आर बायूटिंग द वैल्यू ऑफ आर दर इजिकल टू रो बाय एरिया वी गेट पावर इन टू बाय यल बायू यल फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ यल द इक्वेशन बिकम्स यल इजिकल्स टू वी स्क्वेर ए डिवाइड बाय रो इंटू पी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट लेंथ Is inversely proportional to the power. Hence, the filament of low power will have the longer length. If a power is high, resistance is low and length also less. Therefore, answer 4 60 watt lamp filament has a longer in length. Question 90 Light is produced in the electrical discharge lamp by Option A, heating effect of the current. Option B, magnetic effect of the current. Option C, ionizing gas or the vapor. And option D, carbon electrodes. The correct answer is Option C, ionization in the gas or vapor. Light is produced in the electrical discharge lamp by the ionization in the gas or the vapor. On the heating effect of the current, Incandescent lamp will be work. Question 20. The color of the light given out by the sodium vapor discharge lamp is option A, pink, option B, bluish green, option C, yellow, and option D, blue. The correct answer is yellow. Sodium vapor lamp output color is yellow, which is the monochromatic light. Question 21. Lumen watt is the unit of option A light flux, option B luminous intensity, option C brightness, and option D luminous efficiency. The correct answer is luminous efficiency. Luminous efficiency, luminous flux emitted by the lamp to the electrical power measured in the lumen per watt. Question 22. Which gas is sometimes used in the filament lamp? Filament lamp may Kunsi gas use karte. Option A argon. Option B Krypton. Option C nitrogen and option D carbon dioxide. Right answer is argon. Argon and nitrogen are commonly used, but sometimes we can use the krypton gas also. Question twenty-three. बल्ब ऑपरेट ऑन द लोवेस्ट पावर ऑप्शन ए नाइट बल्ब ऑप्शन बी न्यून बल्ब ऑप्शन सी जीएलएस बल्ब एंड ऑप्शन डी टॉर्च बल्ब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टॉर्च बल्ब क्वेश्चन ट्वेंटी फोर द आउटपुट ऑफ द टन फिलाेंट लैम्प डिपेंड्स ऑन टंगस्टन फिल्मेंट लैम्प का आउटपुट किस पर डिपेंड होता है ऑप्शन ए साइज ऑफ द लैम्प ऑप्शन बी साइज ऑफ द शेल ऑप्शन सी temperature of the filament and option d all of the above correct answer is the c temperature of the filament last question 25 a zero watt lamp consumes option a no power option b about 5 to 7 watt power option c about the 15 to 20 watt power and option d about the 25 to 30 watt power the correct answer is 5 to 7 watt power तो ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ये सेशन कैसा लगा अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही हम शुरू करने वाले हैं नॉन इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन सो so, बने रहिए हमारे चैनल के साथ यल पी ई लर्निंग फॉर द पी डी एफ ऑफ द सेशन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल थैंक यू गाइज